एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। देखिए जो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने सीएनएस कवर कर लिया है अपना पूरी तरीके से, तो आज हम इसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ चीजें हम पता करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, कैसे वो बनता है, कैसे काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये? मैंने आपको जब शुरुआत करी थी इस चैप्टर की यही चीज समझाई थी कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला सीएनएस दूसरा पीएनएस। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला होगा आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक आपका ज्यादा काम नहीं करता है, थोड़ी बहुत चीजें इसके अंडर में आती है वो मैं आपको बता दूंगी। ये जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये काफी काम करेगा, जैसे तीन पार्ट में ही डिवाइड होता है, पैरासिम्पथेटिक, देन सिंपथेटिक और इसी के साथ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक का कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ आपके जीआईटी में ये रिस्पॉन्सिबल होगा, जीआईटी का काम करेगा, बाकी कुछ काम इसका नहीं होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि क्या होता है। देखिए ये पीएनएस का एक कॉम्पोनेंट है, लाइक विद द वॉलंटरी रेगुलेशन बॉडी मोशंस थ्रू द यूज ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स काम करती है यानी लोकोमोशन है ना, लोकोमोशन में मूवमेंट में ये काम करवाता है और ये वॉलेंट्री होता है। याद रखिएगा इट इज वॉलेंट्री इन नेचर, यानी ये हमारी मर्जी से काम करता है। आप अपने हाथ पैर कब हिलाते हैं? जब आपकी मर्जी होती है। मैंने हाथ उठाया, मेरी मर्जी थी। अब ऐसा नहीं कि मैं नहीं जा रही हूँ फिर भी हाथ उठता जा रहा, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। चलो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। अब एफरेंट क्या होती है, इन्हीं को हम सेंसरी नर्व्स भी बोलते हैं, इफरेंट ये मोटर नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। एफरेंट नर्व्स क्या काम करती है कि जो भी आपका ऑर्गन है, जो भी आपका टिश्यू है रिस्पेक्टिव, जो भी वहां से लेकर आपके सीएनएस तक की ब्रेन को क्या पहुंचाती है, मैसेज की भैया हाथ तक ये हो गया है ना। एक वो होता है ना जिसको हम क्या कहते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है जिसको हम इंफॉर्मेशन इधर की उधर करने में मदद करते हैं, है ना, वही है। तो ये क्या काम करता है, जो भी आपका रिसेप्टर ऑर्गन है वहां से सीएनएस तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो हमें सेंसरी के थ्रू ही पहुंचानी होगी। इफरेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो भी रिएक्शन आता है आपके ब्रेन से सीएनएस से जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गन है वहां तक, ये इंफॉर्मेशन आपका मोटर यानी इफरेंट नाम लेकर आता है। सेंसरी न्यूरॉन्स दैट कन्वे इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी स्टिमुलाई टू द सीएनएस एंड ब्रेन आर नोन एज एफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट इसका उल्टा हो जाएगा। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, आपकी पांच चीजें होती है जैसे स्किन, आईज, नोज, ईयर एंड टंग। इनके अलावा और कोई चीज आपकी बॉडी में सेंस नहीं करती है और यही है, ठीक है, यही है जो कि आपका रिसेप्टर ऑर्गन कुछ चीजें लेगा यहाँ से, या तो वो स्मेल करेगा या टेस्ट करेगा या फिर कुछ चीज उसको टच करेगी, है ना। इसी के साथ ये जो आपकी फ्रंट न्यूरॉन होती है ये उल्टा काम करेगी, मोटर न्यूरॉन्स करेंगी जो कि ट्रांसमिट करती है न्यूरल इंपल्सेस को फ्रॉम द सीएनएस टू मसल्स कॉजिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये होता है, बस इतनी चीजें हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, इसी को हम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम, इट इज डिवीजन ऑफ पीएनएस। हम सब जानते हैं दैट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट आवर अवेयरनेस। हमारी मर्जी के बिना, हमारी मर्जी के बिना जो भी हमारी बॉडी में काम चल रहा होगा दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट हो रही है, कभी वो तेज हो जाती है कभी वो कम हो जाती है, आपकी मर्जी से तो नहीं कर रही। आप जब रेस्पिरेशन करते हो कभी वो तेज हो जाती है कभी वो स्लो हो जाती है, आपकी मर्जी से नहीं हो रही। ये इनवॉलेंटरी काम करते हैं, यानी हमारी जानकारी के बिना ही बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी और वो काम कौन करता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसी के साथ इट इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट अनकॉन्शियसली यानी हमारे जान के बिना रेगुलेट्स बॉडीली फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन, यूरिनेशन, सेक्सुअल अराउजल, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। ये सारी चीजें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में, ठीक है।
इसका जो पहला पार्ट है दैट विल बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए बेसिकली बॉडी में जो भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस होते हैं वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसका क्या मतलब है ना, आप जितने भी एनर्जी वाले काम करते हो, थकने वाले काम करते हो, या फिर जिससे आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, बेसिकली जो भी चीजों को इंक्रीज करता है वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। चलिए देखिए, जैसे कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, इसका क्या मतलब है, आपके सामने जब कोई भी कंडीशन आती है तो आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं कि या तो आप उससे लड़िए या फिर वहां से भाग जाए, उड़ जाए, है ना। तो यही कंडीशन हर लोगों के साथ आती है, सब लोगों के साथ में यही कंडीशन पैदा होती है ना। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही होगी सिर्फ। इसी के साथ दिस नर्वस सिस्टम मोर एक्टिव व्हेन इन डेंजर, स्ट्रेस और व्हेन एंगेज्ड इन फिजिकल एक्सरसाइज। जब आपको, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब आपको डर लगता है, शॉक लगता है, उस टाइम पर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका जो सांस लेने का इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये जो रेट है ये इंक्रीज हो जाता है। तो यही तो होती है, यही तो करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्लूड एक्सेलरेटिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, एनहांसिंग विजन एंड स्लोइंग डाउन बॉडीली फंक्शंस इंक्लूड डाइजेशन। तो जो आराम वाले काम है वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन ये जो जैसे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होना जरूरी है ना, इसी के साथ जो ब्रीदिंग रेट है उसका इंक्रीज होना जरूरी है, ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। However, it is continuously in active state. ये हमेशा active state में ही रहेगा ताकि body में जो homeostasis है वो बना रहे। चलिए तो ये है कुछ चीजें जो आपके सामने है। स्पाइनल कोड है, आप सब जानते हो, गैंग्लियंस होती है, नर्व्स होती है, जिनका एक एंड आपके स्पाइनल कोड से अटैच होता है, दूसरा एंड रिस्पेक्टिव ऑर्गन के साथ अटैच होता है। जैसे ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम है, यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर जो नर्व होगी, एक नर्व तो यहाँ पर अटैच है इसका एक एंड, दूसरा एंड इस आंख के प्यूपल से अटैच है जो उसको डायलेट करेगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसी के साथ दूसरी चीज पर आते हैं, एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड आपके हार्ट में है, एक एंड यहाँ है, दूसरा एल्वियोलाई में है, इसी के साथ लिवर में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कहाँ से कौन सा पार्ट निकल रहा है, उसका दूसरा एंड कहाँ जा रहा है। अब सर्वाइकल की आप बात कर लो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आप थोरेसिक की बात कर लीजिए, एक भी नहीं है। देन लुम्बर में है भाई, ये गोनैड्स होते हैं, अड्रीनल ग्लैंड भी है यहाँ पर, आपके यूट्रस भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ होती है, ये आपको ध्यान रखें कहाँ से कौन सी नर्व निकल रही है और कहाँ पहुंच रही है, ठीक है। ये सारी चीजें सिंपथेटिक के अंदर ही आती है। ऐसे ही मैं पैरासिंपथेटिक की भी बता दूंगी कि क्या करेगा। आगे बढ़ते हैं और फंक्शन की बात करते हैं, व्हाट आर फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली चीजों को इंक्रीज करता है। जैसे पहला बात करते हैं, इट डाइवर्ट्स द ब्लड फ्लो बाय वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि ये आपकी वेन्स या फिर आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी मदद से ये जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम जी स्किन एंड जीआईटी ये डाइवर्ट हो जाता है। इसी के साथ ब्लड फ्लो को इनहेंस कर देता है टू लंग्स एंड स्केलेटल मसल, चीजों को इनहेंसिंग करने का काम होता है इसका। ऑक्सीजन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। एल्वियोलाई बाय डायलेटिंग द ब्रैंकियोस विद द हेल्प ऑफ एपिनेफ्रिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसी के साथ इट एनहांसेस ब्लड फ्लो इन द स्केलेटल मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग कार्डियक सेल्स। जब कार्डियक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है ना। इट डायलेट्स द प्यूपिल एंड रिलैक्सेस द सिलेरी मसल्स। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है, जो डायलेट प्यूपिल है वो डायलेट होता है, तो आपको दूर की चीजें क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाती है ना, क्लियरली दिखाई देती है, तो विजन भी ये इनहांस करता है। Thus enhancing the vision in the eye. इसके साथ ही साथ vasodilate करता है coronary vessels को of the heart. It constricts the urinary and intestinal sphincter और it inhibits peristalsis. What is peristalsis? जैसे esophagus के अंदर होती है, है ना, इसोफेगस के अंदर होते हैं। वही तो कहते हैं कि ये डाइजेशन जैसे प्रोसेस को ये बंद कर देता है या फिर कम कर देता है।
चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक की। देखिए सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक ऐसे भाग हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। अगर एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा ही जाएगा, है ना। एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जाएगा ही जाएगा, है ना। साथ है, साथ रहेंगे लेकिन कभी एक साथ नहीं चलेंगे। चल PALS यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिर्फ यही काम होता है। वो कहता है कि भैया फीड करो और ब्रीद करो, है ना। इसी के साथ वो कहता है कि आप आराम करिए और खाना पचाइए, ठीक है। एज अपोज टू द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो कहता था कि आप लड़ो, ये कहता है कि आप आराम करो। वो कहता है कि आप काम करो, वो कहता है कि आप आराम करो। ये काम होता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक का। वो मेहनती है लेकिन ये कहता है कि आप आराम करके तो देखो। चलो द पैरासिंपथेटिक नर्व्स अराइज फ्रॉम द CNS। द स्पेसिफिक पैरासिंपथेटिक नर्व्स इंक्लूड द क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पर कुछ क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं जैसे फेशियल नर्व है, ठीक है। आपका ऑक्यूलो मोटर नर्व है, इसी के साथ पेल्विक स्पेल्विक नर्व है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी सर्वाइकल से कुछ चीजें निकलेंगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, वो डायलेट करता है, उल्टा हो जाएगा, ये स्लो करेगा हार्ट बीट को, वो इंक्रीज करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स को, वो डायलेट करता है, स्टिमुलेट करेगा बाइल के रिलीज को, वो क्या करेगा इनहिबिट करता है ताकि डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाए। ये कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल्स का, वो डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इंक्रीज करेगा अपनी एक्टिविटी को, वहां पर डिक्रीज कर रहा होगा। ये जो आपका यूट्रस है रिलैक्सेशन होगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा, वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। देन यूरिनरी स्फिंक्टर इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, वहां पर डिक्रीज होता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो चीजों को इंक्रीज करता है, ये चीजों को डिक्रीज करता है, बात कर। चलिए फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स द GIT बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। वो कम कर रहा था, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, याद करिए ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था GIT की तरफ जाने वालों, ठीक है। इसी के साथ इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकियोस व्हेन देयर इज अ नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो आपका जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, क्या होगा, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेगस नर्व जो कि हार्ट नर्व होती है ना, क्रेनियल नर्व नंबर 10 इन द कार्डियक ब्रांचेस कंट्रोल द हार्ट पैरासिम्पथेटिकली, वो पैरासिम्पथेटिकली काम करती है। इट कॉन्ट्रैक्ट द सिलरी मसल्स, जो सिलरी मसल्स होती हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कर देगा एंड कॉसिंग द प्यूपल अलाइन क्लोजर विजन। वहां पर दूर की चीजें हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी, यहाँ पर हमें पास वाली जो चीजें हैं वो क्लियरली दिखाई देंगी। इसी के साथ इट एक्सिलरेट्स पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, जैसे ईसोफेगस में वहां पर कम हो रहा था यहाँ पर बढ़ रहा होगा, बाय स्टिमुलेटिंग द सेलिवरी ग्लैंड्स एंड दस इनहांसेस द अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी यहाँ पर इंक्रीज ही करेंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी का सिक्रीशन हो, डाइजेशन का प्रोसेस हो, एसिमिलेशन हो, इमल्सिफिकेशन हो, सारी चीजें यहाँ पर इंक्रीज करती है। दे स्टिमुलेट सेक्सुअल अराउजल एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन द इरेक्शन ऑफ जेनाइटल टिश्यू। चलिए तो यहाँ पर हो गया है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये जो डिफरेंशिएशन था, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या फंक्शंस हैं उनके, कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, ये भी खत्म। अब सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, वो है आपका मैकेनिज्म। ये जो नर्व इम्पल्स होता है उसका जेनरेशन, ये चीज हम अगली क्लास में करेंगे। सिर्फ छोटा सा एक क्लास होने वाला है अगला, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू, टेक केयर।